सरकार से अरे मोदी शाह से आजादी। नागरिकता सोध कानून नू लेके दिल्ली दे शाहीन बाग च पिछले काफी समय तो धरना दिता जा रहा है, पर कुछ भाजपा आगुआ दे वल्लों शाहीन बाग च धरने ते बैठियां औरतां ते 500 रुपए लेके धरने ते बैठने दे दोष लगाए जा रहे ने। अरे नाजी से आजादी, संघी सरकार से आजादी, अरे मोदी शाह से आजादी। जदों इस संबंधी प्रदर्शन कर रही मुस्लिम औरतां नू पुछा गया तां उन्हां कहा कि पैसे सानू मोदी दे के जांदा है जां अमित शाह दे के जांदा है। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਵੇ ਮੋਦੀ, ਫਿਰ ਦੱਸੀਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। अमित शाह जी ने जो बयान दिया था कि मुसलमानों की नागरिकता छोड़ के बाकी सबको नागरिकता मिलेगी, मुसलमानों को क्यों छोड़ोगे भाई? मुसलमान कहीं भाग थोड़ी जाएंगे यहाँ से, और कोई आया है मजबूरी में, पीड़ित आया है, तो वो मुसलमान कहाँ भागेगा? बात क्यों निकाल रहा है अमित शाह, या कोई नई बात क्यों निकाल रहा है कि मतलब 500 रुपए दे रहा है? कौन 500 रुपए कौन दे रहा? अमित शाह दे रहा है यहाँ के, या मोदी दे रही है यहाँ के 500 रुपए? हमें हमारे सामने तो आवे मोदी, फिर बता हम मोदी को क्या, हम क्या चीज है? मोदी आवे तो सामने हमारे। तो बोला जा रहा है कि 500 रुपया दे के जामिया के लेडीज लोग बैठाया जाता है, ये सर बिल्कुल गलत है, ये कोई भी सही नहीं है। हमारी जितनी माते बहने जितने यहाँ बैठते हैं सारे अपना अपना घर से खाना खाते हैं, लिया खिलाते हैं। हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई यहाँ मिल कर आते हैं, हम सबको ये खाना बना के अपना घर से लिया के खिलाते हैं, सब मिल के खाते हैं खिलाते हैं। मगर ये जो बात मीडिया वाला फैलाए हैं गलत फैलाए हैं कि 500 रुपया हमको दे कोई बैठाते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है। और एक बात है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जो बोलते हैं एक महीना से यहाँ लेडीज से बैठे हैं, प्रधानमंत्री हमारा सारा देश चलाते हैं, वैसे हम लेडीज को दुख देखे, हम सबको यहाँ से उठाना चाहते हैं तो हमारा हक आके दे, हमको वो बोले हक दे लिखा दे हम उठ जाएंगे यहाँ से, हम यहाँ नहीं बैठेंगे। मगर हमारा प्रधानमंत्री आगे हमको यहाँ हक दे, हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ? उनको यहाँ आके हकीकत बताएं, ये जो सीए है सीए से हम डर गए हैं। दस दिए कि दिल्ली के शाहीन बाग च पिछले एक महीने तो भी वध समय तो नागरिकता सोध कानून के विरोध में धरना लगाया जा रहा है। खास गल तो यह है कि इस धरने के विच मुस्लिम ही नहीं बल्कि सारे धर्मों के लोग शामिल ने, जो नागरिकता कानून समेत NRC और NPR का विरोध कर रहे हैं। पर अफसोस कि मोदी सरकार के वलों लोगों दी मंगा वल कोई भी ध्यान देने की बजाय भाजपा नेतावां वलों इन्हां धरनाकारियों से तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोक्समैन TV।